नमस्कार। भाग्य वास्तु में मैं धीरेन्द्र शाह। छोटे छोटे बच्चों में एजुकेशन का एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है कि बच्चे लोग पढ़ते नहीं है, उसका कॉन्टेंसेशन बड़ा ध्यान नहीं रहता है, उस चीज़ जो पढ़ाई अच्छी रहनी चाहिए वो नहीं रहती है और बार बार फेल होते हैं, उनके कैरियर में ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तब भी मैंने देखा है कि वास्तु अगर अच्छा नहीं रहेगा तो बच्चे की पढ़ाई में कैरियर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। अगर वो प्रॉब्लम का सुधार प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्यूशन लेना है और बच्चे संतानों की एजुकेशन या तो कैरियर की अच्छी तरह उनका डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो आप अपने मकान के अंदर पूर्व दिशा ईशान कोना और उत्तर दिशा उसका वास्तु के हिसाब से कोई भी दोष रहना नहीं चाहिए। पूर्व उत्तर ईशान कोने में अगर वास्तु दोष रहेगा तो संतानों की पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो पढ़ाई में उसको डिस्टर्बेंस रहेगा या तो उनके कैरियर में बहुत सारे डिस्टर्बेंस रहेंगे। पूर्व दिशा ईशान कोना और उत्तर दिशा का वास्तु अगर आप सुधार कर लेते हैं तो अपने संतानों का भाग्य उदय होता है, उनका भाग्य खिल जाता है और आप वो भी देख सकते हैं कि भाग्य वास्तु किस तरह काम करता है। वास्तु में अगर जितना भी सुधार कर सके इतना सुधार करके अपने संतानों की प्रगति बढ़ाना है, ये आपकी किताब बात है और उसके लिए आप बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, ये ट्यूशन रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये छोटी बात कर लीजिए, मकान के पूर्व दिशा उत्तर दिशा और ईशान कोना का जो भी वास्तु है उसको आप सुधार लीजिए और अपने बच्चे की प्रगति आप देख पाते हैं। और नमस्कार।